सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V30e डिवाइस के अंदर आपने फोन से गूगल डायलर को रिप्लेस कैसे करेंगे। गाइस अगर आपको भी अपने फोन से गूगल डायलर को रिप्लेस करना है तो नो डाउट आप इजीली कर सकते हैं। एक बार छोटा सा डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं गूगल डायलर को रिप्लेस कैसे करते हैं। गाइस फोन के अंदर से गूगल डायलर को रिप्लेस करने के हमें टू वे मिल जाते हैं। आप इसका सेटिंग्स भी फॉलो कर सकते हो या फिर एक कोड आता है उस कोड को भी फॉलो कर सकते हो। कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। सेटिंग्स को मैं बता देता हूँ किस तरह से फॉलो करके रिप्लेस करना है। सेटिंग्स को ओपन करना है एंड इसमें एक सेटिंग्स होगी एप्स वाली, इसको प्रेस कर लेना एंड यहाँ स्क्रॉल करके अगेन नीचे आना है। इनेबल अल्टरनेट एंड फोन कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन होगा, इसको प्रेस करना। किसी किसी केस में ये नहीं शो करता तो इसलिए आप यहाँ पर कोड का एक्सेस कर लेना। कोड एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, *#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 
सेम सेटिंग्स पर आप आएंगे। इसको इनेबल करना है इस तरीके से। करंट टाइम पे ये हमारे पास जो है ऑलरेडी गूगल का डायलर ही लगा हुआ था। इसको एक बार ओके पे क्लिक करेंगे, सेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ सेकेंड वाले डायलर को हम सेट करेंगे क्योंकि गूगल डायलर था पहले से, अब इसको रिप्लेस करना है। इस डायलर को प्रेस कर देंगे एंड अब हमारे फोन में देख सकते हो ये गूगल डायलर हट चुका है एंड ये हमारे पास ओल्ड डायलर आ चुका है। इस तरीके से आप अपने फोन के अंदर अपने गूगल डायलर को इजिली रिप्लेस कर पाएंगे वीवो के V30E डिवाइस के अंदर।